माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ ठंडे पानी से आंखें धो ले बेटा, दिखाई देने लगेगा। दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, पर वतन से हंसी कोई सनम नहीं होता। हीरो में सिमट कर सोने में लिपट कर मरते हैं कई, पर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। कुछ लोगों की लाइफ इतनी एक्साइटिंग, इतनी इंस्पायरिंग, इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है कि हमें विश्वास ही नहीं आता कि ये लाइफ ट्रू है और इसमें कोई भी चीज फिक्शन नहीं है। विक्रम बत्रा की लाइफ भी ऐसी ही थी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोस्टली वीजे। दिस इज वीजे और आज मैं करूंगा मूवी का रिव्यू जिसका नाम है शेरशाह। शेरशाह जिसका इंग्लिश में मीनिंग लायन किंग होता है। शेरशाह एक हिंदी बायोग्राफिकल वॉर मूवी है जो कैप्टन विक्रम बत्रा की लाइफ के ऊपर बेस्ड है और इस मूवी के डायरेक्टर है विष्णुवर्धन और इस मूवी की कास्ट में है सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी, शिव पंडित एंड साहिल वैद। और इस मूवी को 12 अगस्त 2021 को Amazon Prime India पे रिलीज किया गया था। मूवी की स्टोरी की बात की जाए तो मूवी की स्टोरी है कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में। कैप्टन विक्रम बत्रा जो इंडियन आर्मी के एक काफी काबिल ऑफिसर थे जिनको उनकी बहादुरी के लिए परमवीर चक्र मिला था। परमवीर चक्र जो इंडियन आर्मी में एक काफी वैल्यूबल ऑनर की तरह माना जाता है, उनको परमवीर चक्र से नवाजा गया था। इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे आर्मी को ज्वाइन करना उनका बचपन से ही सपना था, वो ये आर्मी कैसे ज्वाइन करते हैं, उनके क्या एक्सपीरियंस है और वो कैसे कारगिल युद्ध में जो 0.4875 है वो पाकिस्तानियों से लड़के उसको कैसे कैप्चर करते हैं और कैसे वो 24 साल की उम्र में ही देश के लिए शहीद हो गए थे, ये मूवी की मेन स्टोरी लाइन है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि मैं इस मूवी की मोस्टली पॉजिटिव और कुछ कुछ जो नेगेटिव चीज है उसके बारे में बात करूंगा ताकि आपको ये पता चले कि ये मूवी आपको क्यों देखनी चाहिए। पॉजिटिव चीजों की बात की जाए तो इस मूवी की जो सबसे पॉजिटिव चीज है वो है सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्टिंग। टू बी ऑनेस्ट, जब ये अनाउंस हुआ कि सिद्धार्थ मल्होत्रा इस मूवी में लीड रोल में है तब कई सारे लोगों को मेरी तरह डाउट था क्योंकि सिद्धार्थ मल्होत्रा की पिछली फिल्म इतनी अच्छी नहीं थी और उनमें उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो भी काफी वीक थी। पर इस मूवी में ऐसा जरा भी नहीं है। इस मूवी में सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्टिंग काफी अच्छी है। वो विक्रम बत्रा के कैरेक्टर में फिजिकली और मेंटली पूरा ढल जाते हैं। इस मूवी में हर सीन में सिद्धार्थ मल्होत्रा है, मतलब अगर उनकी एक्टिंग जरा भी वीक होती तो मूवी भी आपको वीक लगती, पर सिद्धार्थ मल्होत्रा इस मूवी में एक भी बीट स्किप नहीं करते। इस मूवी में सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्टिंग इतनी अच्छी है कि किसी भी मोमेंट में आपको ऐसा नहीं लगता कि सिद्धार्थ मल्होत्रा एक्टिंग कर रहे हैं क्योंकि उनकी एक्टिंग ऐसी है कि काफी नेचुरल है, काफी ऑथेंटिक है और उनको देख के ऐसा नहीं लगता कि वो सिद्धार्थ हैं। वो अपने रोल में ऐसे ढल जाते हैं कि मूवी के किसी भी सीन में सिद्धार्थ नहीं दिखाई देते पर दिखाई देते हैं विक्रम बत्रा, जो इस मूवी की एक काफी बड़ी बात है। वो अपने कैरेक्टर को काफी ह्यूमर के साथ और काफी फिल्मी वे में प्ले करते हैं जो विक्रम बत्रा की रियल पर्सनालिटी से इंस्पायर्ड है। कियारा आडवाणी जो इस मूवी में डिंपल विक्रम बत्रा की गर्लफ्रेंड का रोल प्ले करती हैं, उनका रोल भी अच्छा है, उनकी एक्टिंग भी अच्छी है। वो अपने रोल को एक पंजाबी एक्सेंट के साथ प्ले करती हैं जो इस मूवी की जो एक ऑथेंटिसिटी है वो बढ़ा देती है। और कियारा आडवाणी की सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ जो केमिस्ट्री है वो काफी नेचुरल है जिसकी वजह से इन दोनों के बीच की जो लव स्टोरी है वो मूवी में काफी कन्विंसिंग लगती है और इस लव स्टोरी के साथ आप कनेक्ट कर पाते हैं। कियारा आडवाणी का रोल इस मूवी में एक आई कैंडी की तरह हो सकता था पर इस मूवी में कियारा आडवाणी को जो रोल दिया गया है उनके कैरेक्टर को मूवी की स्टोरी के साथ जैसे कनेक्ट किया गया है, जैसे कवर किया गया है, उसकी वजह से जो उनका कैरेक्टर है वो मूवी के लिए और मूवी की स्टोरी के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। और एक रियल लाइफ फैक्ट ये कि जो विक्रम बत्रा की रियल लाइफ गर्लफ्रेंड है डिंपल, उन्होंने विक्रम बत्रा की डेथ के बाद जब वो शहीद हो गए उसके बाद अभी तक शादी नहीं की, जिससे ये साबित होता है कि इन दोनों के बीच का प्यार कितना गहरा था। शिव पंडित जो इस मूवी में कैप्टन संजीव जामवाल जो विक्रम बत्रा के सबॉर्डिनेट थे उनका रोल प्ले करते हैं।
हालांकि उनके इतने सीन नहीं है मूवी में क्योंकि जो मेन स्टोरी है वो विक्रम बत्रा की है, बट जिन जिन सीन्स में शिव पंडित आते हैं उन सीन्स में उनकी एक्टिंग काफी निखर के आती है। और कैप्टन संजीव जामवाल और कैप्टन विक्रम बत्रा के बीच का जो बॉन्ड दिखाया गया है वो भी काफी अच्छा है। मूवी की टेक्निकल चीजों की बात करें तो मूवी की एक्शन सीन्स काफी अच्छे हैं, स्पेशली जिन सीन्स में शूटिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है, जिन सीन्स में पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी के बीच में लड़ाई हो रही है, वॉर हो रही है, स्पेशली जो कारगिल वॉर के सीन्स हैं वो काफी अच्छे हैं और काफी थ्रिलिंग है और इसे देख के आपको गूजबम्स भी आ जाएंगे। इन सीन्स में जो साउंड डिजाइन है वो काफी पावरफुल है, मतलब ये शूटिंग के सीन्स और फायरिंग के सीन्स इतने कन्विंसिंग लगते हैं, जो शूटिंग की आवाज है वो इतनी रियल लगती है कि जैसे सच में आप वहीं पे खड़े हो और जो बंदूकें हैं उनमें से फायरिंग हो रही हो ऐसा लगता है। इन शूटिंग सीन्स को काफी अच्छी तरह कोरियोग्राफ किया गया है, काफी अच्छी तरह डिजाइन किया गया है और ये बताता है कि एक फौजी की लाइफ कैसी हो सकती है और एक फौजी की लाइफ कितनी डेंजरस हो सकती है, स्पेशली कश्मीर में जहां पे कभी भी कहीं से भी हमले हो सकते हैं। विष्णुवर्धन ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। विष्णुवर्धन जिन्होंने इससे पहले कई सारी तमिल मूवीज को डायरेक्ट किया है उनका डायरेक्शन काफी अच्छा है। उन्होंने जैसे विक्रम बत्रा की चाइल्डहुड से लेके उनकी जो टीनेज लव स्टोरी है उससे लेके एक कारगिल वॉर तक ले जिस तरह उनकी स्टोरी को इस डायरेक्शन में ले गए हैं वो देखना काफी मजेदार है। इस मूवी का पेस काफी फास्ट है, स्पेशली इस मूवी के इंटरवल के बाद जो कारगिल वॉर दिखाई गई है, जो पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी के बीच में जो वॉर दिखाई गई है उनमें काफी फास्ट पेस है और जो एक्शन सीन्स है वो भी काफी फास्ट है, जो इस मूवी के नैरेटिव के हिसाब से काफी नेसेसरी था। इस मूवी का जो नैरेटिव स्टाइल है वो काफी सिंपल है, पर कुछ कुछ सीन्स में जो नैरेटिव स्टाइल नॉन लिनियर स्क्रीन प्ले में चलता है, जो फ्लैशबैक दिखाए गए हैं, जो एक मूवी में नरेशन डाला गया है वो इस मूवी को और इंटरेस्टिंग बनाता है और जो विक्रम बत्रा की स्टोरी है वो और उभर के आती है। एक्टिंग के बाद इस मूवी की जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है वो है इस मूवी का स्क्रीन प्ले। इस मूवी के स्क्रीन प्ले में जो विक्रम बत्रा की लाइफ स्टोरी थी, उनके जो ट्रू मोमेंट्स थे, उनको जिस तरह स्क्रीन प्ले में डाला गया है, जिस तरह इस मूवी के स्क्रीन प्ले में उन चीजों को मिक्स किया गया है वो देखने में भी काफी मजा आता है। जैसे विक्रम बत्रा का नाम कैसे शेरशाह पड़ा और विक्रम बत्रा का एक फेमस इंटरव्यू जिसमें वो बताते हैं कि कैसे उनको कई सारे पाकिस्तानियों ने चैलेंज किया और उनका चैलेंज उन्होंने कैसे पूरा किया और उनका विनिंग सिग्नल कैसे दिल मांगे मोर था, ये सारी चीजें ऐड की गई है। ये सारी चीजें काफी फिल्मी लगती है, पर अगर आपने विक्रम बत्रा की लाइफ के बारे में रिसर्च की होगी तो आपको पता चलेगा कि विक्रम बत्रा की लाइफ किसी मूवी से कम नहीं थी। विक्रम बत्रा की जो पर्सनालिटी थी वो भी काफी फिल्मी और काफी मजाकिया किस्म की थी। इस मूवी की जो डिटेलिंग है वो भी काफी काबिले तारीफ है, मतलब इस मूवी के मेकर्स ने कई सारी रिसर्च के बाद, कई सारे सोर्सेस के बाद इस मूवी को बनाया है। नेगेटिव चीजों की बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी में जो लास्ट एक्ट है जिसमें विक्रम बत्रा अपना लास्ट मिशन करते हैं, जो कारगिल का मिशन करते हैं, वो अगर और ज्यादा लंबा होता तो और ज्यादा मजा आता। स्पेशली जो वॉर सीक्वेंस है, जो शूटिंग सीन्स है, वो अगर और ज्यादा लंबे होते तो मूवी का मजा और ज्यादा बढ़ जाता और जो विक्रम बत्रा का डेथ सीक्वेंस है वो और ज्यादा क्रिएटिव होता। शायद अगर और क्रिएटिव लिबर्टीज लेते तो शायद ये मूवी और ज्यादा इफेक्टिव बन सकती थी। एट द एंड ये मूवी कैप्टन विक्रम बत्रा की एक लार्जर देन लाइफ और इंस्पायरिंग स्टोरी दिखाती है कि कैसे उन्होंने सिर्फ 24 साल की उम्र में ही अपने देश के लिए जान दे दी और वो कैसे देश के लिए शहीद हो गए। और मूवी की एंडिंग के बाद कैप्टन विक्रम बत्रा के लिए आपके मन में रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ जाती है, जो शायद इस मूवी का मेन पर्पस था। So in the end, I will give this movie 3.5 stars out of 5. अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस मूवी के रिलेटेड मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई है तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही मूवी और वेब सीरीज रिव्यू के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।